Good afternoon students, today we are going to continue chapter 12, the polar region. So today we will start from lifestyle of Greenlanders. ठीक है, जो Greenlanders होते हैं, जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनकी lifestyle कैसी होती है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट फूड. द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड ईट फूड विद रिच फैट कंटेंट इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द कोल्ड आर्कटिक क्लाइमेटिक conditions. जो ग्रीनलैंड के लोग होते हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं, जो कि फैट में रिच होता है, जिसमें फैट ज़्यादा होता है, ताकि वो जो आर्कटिक क्लाइमेटिक conditions हैं, जो ठंडी क्लाइमेटिक conditions होती हैं, उससे उभर पाएँ, बच सकें. ठीक है, इसलिए वो जिसमें फैट ज़्यादा होता है इस प्रकार का खाना खाते हैं. सो द आर्कटिक ओशन प्रोवाइड्स द पीपल विद अ ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड. आर्कटिक ओशन जो है वो लोगों को अलग अलग वेराइटी का फूड प्रोवाइड करती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट इज सील्स, सैल्मन, स्कॉट्स, वेल्स एंड अदर सी एनिमल्स. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है इनकी डाइट का, वो होता है समुद्री जानवर. ठीक है, जैसे कि सील्स, सैल्मन, स्कॉट्स, वेल्स और दूसरे समुद्री जानवर जो हैं, ये इनके डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. They eat land animals like caribou and geese in summer. और ये land animals जो हैं, जैसे कि caribou और geese, इन्हें summer में गर्मियों में खाते हैं. During winter they hunt polar bears, foxes and hares. और ठंडियों में ये polar bear, foxes और hares का शिकार करते हैं. ठीक है, उन्हें खाते हैं. Their favorite foods are seal and caribou meat, walrus liver and whale skin. और जो इनका सबसे पसंदीदा खाना होता है वो होता है सील और कैरिबो का मीट, वॉलरस का लिवर और वेल की स्किन. ये इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं. नेक्स्ट इज क्लॉथिंग, किस प्रकार के कपड़े वो पहनते हैं. वेरी लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ सील स्किन. जो सब वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है पूरे साल, तो इस वजह से उन्हें वो सील की स्किन के बने हुए कपड़े पहनते हैं. ठीक है, सो दे कीप देयर हेड्स कवर्ड विद फर कैप्स. ये अपने सर को ढक के रखते हैं फर वाली कैप से. दे वियर हुडेड जैकेट्स कॉल्ड परकास. और ये हुड वाली जैकेट पहनते हैं जिसे परकास कहा जाता है. डबल ट्राउज़र या फिर लेगिंग्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, हाई बूट्स पहनते हैं और मिटन्स, मिटन्स मीन्स दस्ताने पहनते हैं. ठीक है, टॉपिक इज ड्वेलिंग. ड्वेलिंग मीन्स कहाँ वो लोग रहते हैं, उनका घर कैसा होता है. ठीक है, सो द इनुइट्स लीड अ नोमैडिक लाइफ इन सर्च ऑफ फूड. इनुइट्स जो हैं वो नोमैडिक जीवन जीते हैं, खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं. दे नॉर्मली डू नॉट हैव परमानेंट सेटलमेंट्स बट हैव सेपरेट समर एंड विंटर होम्स. और नॉर्मली इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, लेकिन सेपरेट समर और विंटर होम्स होते हैं, मतलब अलग गर्मियों में अलग जगह रहते हैं और ठंडियों में अलग घर होते हैं उनके. इन समर दे मेक टेंट्स विद रेंडियर एंड सील स्किन. गर्मियों में ये टेंट बनाते हैं रेंडियर और सील की स्किन का. दीज टेंट्स आर कॉल्ड टोपिग्स. और इन सील्स को कहते हैं टोपिग्स, इन टेंट्स को कहते हैं टोपिग्स. देयर विंटर हाउसेस आर मेड ऑफ सोड विच इज़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल मिक्सड विद रूट्स ऑफ ग्रास और स्मॉल प्लांट्स. और जो इनका ठंडियों का जो घर होता है वो सोड से बना होता है, जो कि टॉप लेयर होती है, मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उससे मिक्सड होता है, जिसमें घास की जड़ें होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनसे मिला के ये घर बनाते हैं. ब्लॉक्स ऑफ सोड आर पाइल्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर टू बिल्ड द वॉल्स ऑफ द हाउस. जो ब्लॉक्स होते हैं सोड की, वो पाइल की जाती हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि जो दीवार है घर की वो बन सके. इन सम प्लेसेस दे लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. और कुछ जगहों पे तो ये जो बर्फ के ब्लॉक्स से बना हुआ घर होता है उसमें रहते हैं. दीज हाउसेज आर नोन एज इग्लूज. ठीक है, और इन घरों को क्या कहते हैं, इग्लूज. ठीक है, जो बर्फ से बना हुआ घर होता है, आइस ब्लॉक से बना हुआ घर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इग्लूज. दे आर सेमी सर्कुलर इन शेप विद अ डोम शेप्ड रूफ एंड अ स्मॉल एंट्रेंस फेसिंग द सी. ये सेमी सर्कुलर होते हैं शेप में, और इसका जो इसकी जो छत का शेप होता है वो डोम की तरह होता है. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इग्लू. ठीक है, किस तरह बना होता है, सेमी सर्कुलर शेप होता है और जो डोम शेप का की छत होती है. ठीक है, और जो एंट्रेंस होता है जो कि फेस कर रहा होता है सी की तरफ, समुद्र की तरफ.
दिस हेल्प्स देम टू गेट द वार्म सी ब्रीज इन टू देयर हाउस, और इससे मदद मिलती है उन्हें, जो वार्म सी ब्रीज होती है वो इनके घरों तक पहुँचती है, ठीक है. सो द इनर पार्ट ऑफ द हाउस इज़ कवर्ड विथ सील स्किन, और जो अंदरी हिस्सा होता है घर का वो सील स्किन से ढका होता है. सील फैट इज़ यूज टू लाइट लैम्प, सील का जो फैट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है लैम्प जलाने के लिए. विच ऑल्सो प्रोवाइड्स वार्म्थ, जिसकी वजह से वो भी गर्मी प्रोवाइड करता है. द एंट्रेंस ऑफ द इग्लूज इज़ सो नैरो दैट वन हैज़ टू क्रॉल इन टू द हाउस, और जो इग्लू का एंट्रेंस होता है वो इतना नैरो होता है कि किसी को भी अंदर जाने के लिए रेंग के जाना पड़ता है. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन, अब वहाँ के जो लोग होते हैं वो काम क्या करते हैं. हंटिंग, फिशिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स एंड हर्डिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. मीन्स शिकार करना, ठीक है, मछली पकड़ना, एनिमल्स को पकड़ना, ठीक है, ट्रैप करना, हर्डिंग करना, पशुपालन करना, ठीक है, ये कुछ मेजर ऑक्यूपेशंस थे, ठीक है, लोगों के वहाँ पे. फार्मिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द रीजन बिकॉज ऑफ ड्राई एंड आइसी ग्राउंड. फार्मिंग, खेती जो है वो इम्पॉसिबल थी इन क्षेत्रों में. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो ड्राई और आइसी है, सूखी है और बर्फ़ वाली है. अर्लियर पीपल यूज टू हंट लार्ज सील्स एंड वॉल्डसेस यूजिंग हारपून्स, पहले लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते थे हारपून्स का, हारपून्स की मदद से बड़े बड़े सील्स को और वॉल्डसेस का शिकार करते थे. दे आर शार्प स्पीयर्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स और स्टोन्स विद लेदर रोप्स अटैच टू दैम. ये शार्प स्पीयर्स होते थे, ठीक है, जो कि एनिमल की बोन से बनी होती थी, जानवरों की हड्डी से बनी होती थी या फिर पत्थर के बने होते थे, ठीक है, ये हथियार होते थे जिससे वो शिकार करते थे. और लेदर की रोप होती थी, ठीक है, रस्सी होती थी, उसमें अटैच होती थी. दीज हारपून्स वर थ्रोन अक्रॉस द सी टू कैच एनिमल्स, और ये जो हारपून्स होते हैं इसे फेंका जाता था सी के पार समुद्र में ताकि जानवरों को पकड़ा जा सके. देन रोप्स वर यूज टू पुल द हंटेड एनिमल्स और टू ब्रिंग बैक द हारपून्स फॉलन इन टू द सी, और फिर रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था जानवरों को हंट करने के लिए, पुल करने के लिए, और जो हारपून फेंका जाता था, ठीक है, समुद्र में जो गिरा हुआ होता था उसको वापस लाने के लिए रोप का इस्तेमाल किया जाता था. सो पीपल ऑल्सो यूज बोज एंड एरोज फॉर हंटिंग, लोग जो हैं उन्होंने बोज और एरोज का भी इस्तेमाल किया शिकार करने के लिए. नाउ पीपल यूज ऑटोमेटिक राइफल्स इन प्लेस ऑफ हारपून्स बोज एंड एरोज. अब जो है लोग ऑटोमेटिक राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं हारपून्स बोज और एरोज की जगह शिकार करने के लिए. पीपल डिपेंड अ ग्रेट डील ऑन एनिमल्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लोग जो हैं वो ज़्यादातर चीज़ों के लिए जानवरों पे निर्भर होते हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ों के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. देयर क्लॉथिंग, टेंट्स एंड बोट्स आर मेड ऑफ एनिमल स्किन, इनकी जो कपड़े होते हैं, टेंट होते हैं, बोट होती है, ये सब एनिमल स्किन से बनी हुई होती है. दे यूज़ एनिमल बोन्स फॉर मेकिंग हारपून्स, एनिमल फैट फॉर लाइटिंग लैम्प्स एंड मीट एज फूड, और ये एनिमल बोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं हारपून्स बनाने के लिए, एनिमल फैट का इस्तेमाल करते हैं लैम्प्स को लाइट करने के लिए, है ना, और मीट का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. लेइंग ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज़ इम्पॉसिबल इन द आइसी तुंड्रास. अब यहाँ पर रोड बनवाना या रेलवेज होना इम्पॉसिबल है इस तरह के आइसी तुंड्रा क्षेत्र में. सो पीपल ट्रैवल अक्रॉस द कोल्ड डेजर्ट लैंड ऑन स्लेजेस, लोग जो हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं इस ठंडे बर्फीले रेगिस्तान में, ऐसे स्लेजेस पे, एज यू कैन सी स्लेजेस. दीज आर कार्ट्स विदाउट व्हील्स, ये कार्ट्स होते हैं जिसमें व्हील नहीं होती हैं, ठीक है, पहिए नहीं होते हैं. ड्रॉन बाय रेंडियर्स और डॉग्स कॉल्ड हस्कीज, जो कि किसके द्वारा चलाए जाते हैं, रेंडियर्स जो जानवर होते हैं और जो डॉग्स होते हैं जिन्हें हस्कीज कहा जाता है वहाँ पे, इनके द्वारा ये चलाए जाते हैं, ये कार्ट जो होते हैं ये इनके द्वारा चलाए जाते हैं. दे यूज़ स्मॉल बोट्स कॉल्ड कायक्स मेड ऑफ एनिमल स्किन सच एज सील्स स्ट्रेच्ड ओवर अ वुडन फ्रेम फॉर हंटिंग एनिमल्स इन द सी, और ये छोटी बोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे कायक्स कहा गया, जो कि एनिमल स्किन से बनी होती है, ठीक है, जैसे कि जो सील्स होती हैं वो स्ट्रेच कर दी जाती, खींच दी जाती है वुडन फ्रेम में, और जैसे जानवरों के शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है समुद्र में, इस तरह की बोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं. They also use a boat called Yumiak, which is a large open sea boat made of animal skin and wood to hunt whales. और ये
यूमियाक बोट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बड़ी ओपन समुद्री नाव होती है, ठीक है, जो कि एनिमल स्किन से बनी होती है, उसकी लकड़ी से वुड से बनी होती है, जो जिसका वेल्स का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी एज अ ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं यहाँ के लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स। अब ग्रीनलैंडर्स की जो आधुनिक जीवन है, मॉडर्न लाइफ जो है वो कैसी है। द इनुइट्स इन नदर्न ग्रीनलैंड स्टिल फॉलो द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। जो इनुइट्स हैं, जो कि नदर्न ग्रीनलैंड के हैं, वो आज भी वही पारंपरिक जीवन जो है वो फॉलो करते हैं। बट द लाइफ ऑफ द पीपल हु हैव शिफ्टेड टू टाउन्स और स्मॉल विलेजेस हैज़ चेंज अलॉट। लेकिन उन लोगों का जीवन जो कि टाउन से स्मॉल विलेजेस से शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, उनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। दे वियर मॉडर्न क्लोथिंग, लिव इन मॉडर्न हाउसेज एंड ईट अ वेराइटी ऑफ टिंट फूड। और ये मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, मॉडर्न घरों में रहते हैं और अलग अलग वेराइटी का खाना खाते हैं। इंस्टेड ऑफ कायक्स एंड स्लेजेस दे यूज़ मोटर बोट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड स्नो मोबाइल्स। और ये कायक्स और स्लेजेस के बावजूद होने के बावजूद ये मोटर बोट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, स्नो मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन फैक्ट सम प्लेसेस इवन हैव एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग देम विद सम सिटीज़ इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अब एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, जो कि कनेक्ट करता है उनको कुछ शहरों से यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड हैव इम्प्रूव्ड एजुकेशन, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जो लोग हैं ग्रीनलैंड के, उन्होंने एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। और इन्होंने इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है जॉब के लिए और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए। दे हैव ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ कारपेंट्री, मेटल वर्क एंड शिप बिल्डिंग। और इन लोगों ने कारपेंट्री, मेटल वर्क, शिप बनाने का काम, ये सब भी, ये कला भी सीख ली है। माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड लॉग इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम। और जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, लॉग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो इन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, काम देती हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीनलैंड इन गॉटथेव और नोक, गोदावन इज़ अ मेजर सिटी ऑफ द कंट्री। और जो कैपिटल सिटी है ग्रीनलैंड की वो है गॉटथेव और नोक, और गोदावन जो है वो मेजर सिटी है इस देश की। होल्स्टिनबर्ग इज़ अ लार्ज पोर्ट सिटी, होल्स्टिनबर्ग जो है वो लार्ज पोर्ट सिटी है, बड़ी पोर्ट सिटी है, ठीक है, जहाँ पर शिप्स जो हैं वो गुड्स लोड और अनलोड करती हैं। द मेजर एयरपोर्ट इज़ कंगलोस्वाक एयरपोर्ट। और जो मेजर एयरपोर्ट है वो है कंगलोस्वाक एयरपोर्ट, जिससे पहले ब्लूई वेस्ट 8 के नाम से जाना जाता था। इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। ग्रीनलैंड हैज़ 18 एयरफील्ड्स नाउ, आउट ऑफ विच 14 आर पेव्ड। ग्रीनलैंड में अब 18 एयरफील्ड्स हैं, ठीक है, एयरफील्ड्स हैं जहाँ से हवाई उड़ान होती है, ठीक है, जिसमें से 14 जो हैं वो पक्की बनी हुई हैं। द डोमेस्टिक फ्लाइट्स आर ऑपरेटेड बाय एयर ग्रीनलैंड। और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो कहाँ से ऑपरेट की जाती हैं, एयर ग्रीनलैंड के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ ग्रीनलैंड आर ग्रीनलैंडिक एंड डनिश। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंड की वो है ग्रीनलैंडिक और डनिश। इंग्लिश इज़ ऑल्सो स्पोकन वाइडली अक्रॉस द कंट्री। और इंग्लिश भी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है पूरे देश में। ग्रीनलैंडर्स आर पीस लविंग पीपल एंड कीप ऑफ फाइट्स। और जो ग्रीनलैंडर्स होते हैं वो पीस लविंग पीपल होते हैं, उन्हें शांति प्यार का माहौल पसंद होता है और ये लड़ाई झगड़ा कम पसंद करते हैं। दे लिव अ वेरी हार्श लाइफ बट आर स्टिल वेरी चेयरफुल एंड लविंग। और ये बहुत ही कठोर जीवन जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही चेयरफुल होते हैं, लविंग होते हैं, प्यार करने वाले लोग होते हैं। दिस लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ टमोरो बिकॉज ऑफ इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज। और इस लैंड को लैंड ऑफ टमोरो भी कहा जाता है, मतलब कल की भूमि। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही रिच हैं। एज द कंट्री में प्रोवाइड गुड्स रिक्वायर्ड फॉर अदर कंट्रीज इन फ्यूचर, क्योंकि ये जो कंट्री है, ये जो देश है, वो फ्यूचर में कई देशों को गुड्स प्रोवाइड करेगा। सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।